ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक सीरीज में, इसमें अभी सातवां पार्ट है उसका, एक सीरीज में देख रहे हैं कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की, या मोर और लेस इसे जो जनरल इसका कर सकते हैं कि एक नाम है कि आईएएस एग्जामिनेशन का, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, और एक जो बिगनर्स होते हैं जो कि इसकी शुरुआत करना चाहते हैं कि आखिर उन्हें कुछ भी मूलभूत और बेसिक चीज़ें नहीं पता है, उनके लिए कुछ बेसिक और फाउंडेशनल जो चीज़ है कि हमें आखिर इसकी तैयारी करनी कैसे प्रारंभ करें या इसकी शुरुआत कैसे करें, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने पहले जाना कि सिलेबस क्या है, हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, हमारा इंट्रेंसिक जो है कह सकते हैं चॉइस यह है या फिर पेरेंट्स के दबाव में किसी फ्रेंड्स ने कर लिया या फिर शौक शौक में, तो जिस भी कह सकते हैं कि प्रकार से हम इसमें तैयारी कैसे की जानी चाहिए उसके बारे में हम लोग विस्तृत कई एक पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके सिलेबस को, मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू के सिलेबस को, बुक लिस्ट को, इन तमाम चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। फिर ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्यों महत्वपूर्ण है या इसे क्यों सॉल्व करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस जो है पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई एनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इवन द कॉलेज और टेंथ ट्वेल्थ के भी जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि वो 5 या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एक पता है, अगर आप कौटिल्य चाणक्य के बारे में जानते हो तो उनके बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस युक्ति है, पंक्ति है कि आप कोई भी युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने दुश्मनों के बारे में जान लें, क्योंकि आप लड़ने किससे जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना चाहिए, उसे जरूर देखना चाहिए, उसे जरूर सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी और हमें अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना होगा। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, एंड व्हाई बी ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस पेपर थॉरसली एंड वेरी रिग्रसली so that it will help in our preparation. So why we should solve previous year questions paper? हमें previous year questions paper को क्यों solve करना चाहिए, या फिर in another word we can say that what are the significance of UPSC civil services previous year questions paper? इसके क्या महत्व हैं, क्या significance हैं, और हमें UPSC के papers previous year papers प्रश्न पत्र को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों solve करना चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो है मैं यहाँ डिस्कस किए हैं। तो पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है मोस्ट रिलायबल सोर्स है। देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चंस होता है जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कंडक्ट कराया जा चुका है, तो यह एक रिलायबल सोर्स है जिसमें कि हम जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारे सोर्सेस और जो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो तो ठीक है, बट इनकी जो रिलायबिलिटी है और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मोर देन अदर सोर्सेस जो है बहुत ही अधिक है, या एक ट्रस्टेबल सोर्सेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि आप मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। तो यह एक मोस्ट रिलायबल सोर्स है जिसे कि हम पढ़कर जैसे यह जान पाएंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कह सकते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसके पैटर्न क्या क्या हैं। पैटर्न कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कहने का मतलब है कितने शब्दों में हमें उत्तर देना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है 250 वर्ड्स में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है 150 वर्ड्स में होते हैं, तो इस प्रकार के जो हम पैटर्न्स को समझना होगा। फिर 3 घंटे में कुल कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, जैसे 3 घंटे में किसी किसी में 18 क्वेश्चन होते हैं, किसी किसी में जनरली जो एवरेज हुआ 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में कहाँ से जान पाएंगे, या जान पाएंगे हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को पढ़ेंगे तब, ठीक है जी। तो इन तमाम पैटर्न्स वगैरह, फिर डिफ़िकल्टी लेवल, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके स्तर क्या हैं, इसके लेवल्स क्या हैं, इनके कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेवल होता है, मतलब कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी का एक लेवल होता है कि आखिर इसे कितना पेपर कठिन है। कॉलेज का भी एग्जामिनेशन आपने दिया है, टेंथ और ट्वेल्थ का भी एग्जामिनेशन दिया है, अब आते हैं कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी की। तो जब आप कंपेयर करेंगे टेंथ ट्वेल्थ या कॉलेज का, तो ये टोटली डिफरेंट होगा, दे आर नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी।
तो ऑब्वियसली सी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो स्तर है उससे और अधिक मतलब इसका स्तर होगा, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होगी और ही टफ होगा। तो उस आधार पे जब हम जान जाएंगे कि भाई इसका स्तर जो है बहुत कठिन है, उस आधार पे फिर हमें प्रिपरेशन अपनी करनी होगी उस स्तर के, उस लेवल्स के, जिससे कि हम डिफिकल्टी लेवल को इजिली हैंड आउट कर सके और उसे टैकल कर सके, और इन जो है फ्यूचर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में अपियर होंगे तो उसका हम आंसर लिख सके। आगे क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव इन नेचर है जिसमें आपको लिखना होता है। तो ये जो है ना सब्जेक्टिव इन नेचर में, इसमें आपको प्रश्नों के बकायदा उत्तर लिखने होते हैं, बट और प्रारंभिक परीक्षा में एमसीक्यू होता है, एक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं। तो क्वेश्चन टाइप वगैरह के बारे में हम जानेंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी जो दो मैंडेटरी पेपर है उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें पासिंग मार्क्स लाना होता है, बट वी हैव टू नो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन द यूपीएससी और द कमीशन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो हम लोग जैसे ही जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी आधार पे हम अपनी तैयारी करेंगे, ताकि हम भविष्य में जब हम अपीयर होंगे इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, तब हम जान पाएंगे कि आखिर यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। नाउ हाउ टू नो अबाउट द ट्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे आप अगर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो एक समय था कि यूपीएससी में स्टैटिक पोर्शन का बहुत बेटर था, बट अब जो है ट्रेंड बदल गया है, अब करेंट अफेयर और डायनेमिक पेपर हो गया है, मतलब अब करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। इवन द हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस जो है करेंट अफेयर से लिंक होता है। आगे बाई प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर जो है, अंडरस्टैंड विच एरिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो सेक्शन है, देखिए हिस्ट्री में तीन है, पहले तो एशियंट हिस्ट्री हो गया, फिर मेडिवल हिस्ट्री हो गया, और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हुआ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से अधिक पूछे जाते हैं, और उसमें भी जो है स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है क्वेश्चन हर एक साल पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए यह स्वाभाविक है जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, दो चार बार इसे रिवीजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं और किस सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। तो ये सब जान पाएंगे तभी जब आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं इसे ज़रूर पढ़ें, फिर जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी जब कह सकते हैं बुक्स दो तीन बार आप पढ़ चुके होंगे, फिर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आगे है कि गुड सोर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको एसेस करने के लिए, मतलब आपका अपना मूल्यांकन के लिए या जरूरी है कि जब आप आईएएस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसको फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे यह पता चल सकेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस स्तर तक हुई है, हमें हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ पे हैं, हमें और अधिक कहाँ पे फोकस करना होगा। और एक कह सकते हैं एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा माध्यम है जब हम अपना स्वतः मूल्यांकन कर सकेंगे ड्यूरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो ये डेट्स ऑल, थैंक यू। आज सेवन पार्ट में हम लोगों ने जाना कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक रिलायबल और बहुत ही इसका कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है यूपीएससी के जर्नी में। सो अगर ये आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट मैं इसके जब अगले पार्ट्स को डालूँ तो आपका इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।